मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जी हां, अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है दोबारा से। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष भी रखा, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। कुमार इंदर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आज पूरी तैयारी के साथ सरकार, इलेक्शन कमीशन और जिन याचिकाकर्ता थे ओबीसी महासंघ, ये तमाम लोग कोर्ट में वर्चुअल हेयरिंग की तरह पहुंचे हुए थे और सभी ने अपने डॉक्यूमेंट लगभग सबने अपना जवाब तैयार कर लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई से ये कहते हुए इनकार ये कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 17 दिसंबर को जो आदेश दिया था, तो उस समय ही सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख तय कर दी थी कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को तय की गई है। लिहाजा कोर्ट ने उस तारीख का हवाला देते हुए कह दिया कि आज इस मामले को नहीं सुना जाएगा। सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने क्लब करते हुए कहा है कि सारे लोग जो है वो 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो और तब इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन इस 2 मिनट चली बहस में सरकार ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने कहा है कि हम गबली वाले केस को जो 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, उस बिहाब पे हमने सारे राज्यों को लेटर लिख दिया है। वो राज्य अपने अपने राज्यों में सरकारें जो है वो ओबीसी के रिजर्वेशन दिलाने के लिए पॉलिटिकल में पंचायत चुनाव निकाय चुनाव में रिजर्वेशन दिलाने के लिए वो अपने 3 स्टेट्स पे काम करना राज्यों ने शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 3 महीने में उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे और 4 महीने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब भी मांगा है कि पंचायत चुनाव को मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव पंचायत चुनाव को 4 महीने के लिए होल्ड किया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है और कहा है कि आप 17 दिसंबर को फिर से माफ कीजिएगा 17 जनवरी को हाजिर हो, तब पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। वहीं विवेक तन्खा, कपिल सिब्बल, तुषार मेहता, राकेश द्विवेदी जैसे तमाम बड़े बड़े दिग्गज आज कोर्ट में कह सकते हैं कि वर्चुअल तरीके से मौजूद थे। लेकिन आज कुछ फैसला होता, सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करती, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 17 जनवरी को फिर से इस मामले की सुनवाई करेंगे, लिहाजा आप अपनी अपनी तैयारी के साथ 17 दिसंबर को हाजिर हो। अब 17 जनवरी को वो दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला करेगा और लगभग कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो ओबीसी वर्ग के लिए जो डाटा तैयार किया था, पिछले दिनों सरकार ने बयान भी दिया था, ओबीसी महासंघ ने भी बयान दिया था कि हम ओबीसी के मध्य प्रदेश में वोटरों की गिनती कर रहे हैं, तो शायद मध्य प्रदेश सरकार अब वक्त मिल गया है। 17 जनवरी को जब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से डाटा पेश किया जाएगा तो ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में आखिर ओबीसी वोटर को लेके, ओबीसी वर्ग को लेके सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, सरकार के क्या कुछ दावे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही पंचायत चुनाव निरस्त करा दिया है, उसका अध्यादेश भी वापस ले लिया है, बकायदा इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव कैंसिल कर दिए है, लेकिन मामला क्योंकि कोर्ट में फंसा हुआ है। तो बिल्कुल, लेकिन कुमार इंदर, देखना होगा कि 17 जनवरी को क्या कुछ दलीलें जो है वो दी जाती है राज्य सरकार के वकीलों की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।